राजस्थान में यूपी की तर्ज पर जिस योगी को सीएम बनाने की चर्चा थी, जिसे राजस्थान में बैठाकर यूपी जैसे विकास और कानून व्यवस्था ठीक करने की खबरें थी, उनके हाथ से सांसदी की जगह न सिर्फ विधायकी मिली बल्कि सबसे बड़ा खेला भजनलाल की कैबिनेट में भी हो गया। जब भजनलाल कैबिनेट का शनिवार को विस्तार हो रहा था, राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल की संस्तुति के आधार पर 22 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री शामिल थे। उसमें बाबा बालकनाथ का नाम नहीं था। भजनलाल कैबिनेट में यूं तो 50% युवा विधायकों को मौका दिया गया, लेकिन भगवादारी बालकनाथ इस सूची से नदारद थे। लेकिन इन सब नामों को लेकर पहले की तरह ही बाबा बालकनाथ के सीएम नाम की तरह ही इस बार भी चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने से चूके बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में कोई सीएम स्तर का विभाग मिल सकता है। कहा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ को प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। राजस्थान के योगी के नाम से फेमस तिजारा विधायक और फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होने को तय माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बाबा बालकनाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही काफी सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ का जैसे ही माना जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने तिजारा के चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बताया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी बाबा को लेकर कई चर्चाएं रही कि बीजेपी यूपी की तर्ज पर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि ये केवल लोगों की कल्पना ही मात्र रह गई। उधर बाबा बालकनाथ अपने तीखे तेवरों के कारण चर्चा में छाए रहते हैं। हालांकि बाबा के समर्थकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बाबा को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बाबा बालकनाथ समेत 3 संतों को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के पीछे कुछ सियासी संतुलन बनाना है। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, जिसको देखते हुए पार्टी ने सियासी संतुलन बनाने की कोशिश की है। बाबा सीएम का नाम को लेकर मीडिया ट्रायल का शिकार हो गए और रेस से बाहर हो गए। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए तिजारा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें बाबा ने जीत दर्ज की। बता दें कि राजस्थान कैबिनेट पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में करोड़ीलाल मीणा ने शपथ ली। इसके अलावा कैबिनेट में राजवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खीसवर, बाबूलाल खराड़े, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत जैसे लोगों ने जगह ली। ये कयास सच भी साबित हुए और 11 युवा विधायकों को मंत्री पद दिया गया।